गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आवर लेसन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. इससे पहले हमने इसके कुछ काइंड्स पढ़ी हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले इसकी पहचान देख लो, हाउ वी आइडेंटिफाइड. पहचान है इसकी जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, हो और साथ में वक्त और गिनती का भी जिक्र हो. टाइम का जिक्र भी किया गया हो, टाइम भी मेंशन किया गया हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं. अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गई? नेक्स्ट देखो इसका दूसरा रूल क्या है. दूसरा रूल इसका फार्मूला है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला देख लो. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम. ये इसका फार्मूला है, इसकी बेस पर हम एग्जांपल्स करते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस एंड फॉर देन टाइम. सिंस एंड फॉर एस एफ मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. नेक्स्ट देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट देखो नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गई फार्मूलाज की? ये रूल्स है इसका, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपने समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, देन आपने इसकी बेस पर इसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स करनी है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो इसका थर्ड रूल क्या है. इसके नॉन प्रोनाउंस जो हैं उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, आई वी यू दे ही शी एंड नेम्स, अदर नेम्स, ठीक है, नेम्स के साथ, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल हो रहा है. अंडरस्टैंड? सबको समझ आ रही है? हैड का इस्तेमाल हो रहा है. देन देखो नाउ वी शुड टेक एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में देख लो सबसे पहली एग्जांपल हमने ली है मैं आई की. आई मींस मैं दोपहर से फसल काट रहा था. फसल काटने को क्या बोलते हैं, कटिंग द क्रॉप और क्लियरिंग द क्रॉप भी कह सकते हैं आप. मैं दोपहर से फसल काट रहा था. अब हम सीधा चलेंगे फार्मूला. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैं है ना, मैं क्या है सब्जेक्ट, उर्दू में क्या कहते हैं इसे, फाइल, ठीक है, फाइल क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, आई लगाएंगे, ठीक है, इसकी जगह हम आई हैड लगाएंगे, हैड बीन और फसल काटने को, ठीक है, कट लिखेंगे ना, कट के साथ आई एन जी लग जाएगा. देन ऑब्जेक्ट क्या है, फसल है ना, क्रॉप, क्रॉप, और हमने क्या लिखा आगे, टाइम क्या लिखा, दोपहर से. देन क्या लगेगा, सिंस, टाइम क्या, नून, ठीक है, दोपहर का टाइम है. देन हमने क्या लगाया, सिंस नून आई हैड बीन कटिंग द ग्रास सिंस नून, आई हैड बीन कटिंग द ग्रास सिंस नून. अंडरस्टैंड? इसका हमने ये मैंने एक किया, ये असर्टिव सेंटेंस ही सभी किए हैं सबके, आपने इसके नेगेटिव भी बनाना है. नेगेटिव इसका ऐसे बनेगा आई हैड नॉट बीन कटिंग द क्रॉप सिंस नून. नेक्स्ट बनेगा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है सवालिया जुमला, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए. हैड को हम पहले सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, हैड ही बीन, हैड आई बीन कटिंग, ठीक है, ये समझ लेना, हैड आई बीन कटिंग द क्रॉप सिंस नून, हैड आई बीन कटिंग द क्रॉप सिंस नून. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या बनेगा, नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड आई नॉट बीन कटिंग द क्रॉप सिंस नून. अंडरस्टैंड? ये एक सेंटेंस हमारा पूरा हुआ. नेक्स्ट देखो वी, वी का मतलब होता हम दो दिन से सफर कर रहे थे, हम दो दिन से सफर कर रहे थे. वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर टू डेज, वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर टू डेज. अब नेक्स्ट क्या बनेगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस, वी हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग सिंस टू डेज. नेक्स्ट क्या बनेगा, सिंस, सॉरी सिंस नहीं है,
फॉर टू डेज, क्यों? क्योंकि ये क्या है, गैर मुइन वक्त है। एक और बात मैंने आपको बतानी थी, फिक्स टाइम सिंस एंड फॉर का यूज। सिंस किसके साथ लगता है? पीरियड ऑफ टाइम। सिंस एंड फॉर का यूज ये भी लिख लेंगे आप साथ में, समझ लेंगे। सिंस किसके साथ यूज होता है? फिक्स टाइम के साथ। फिक्स टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस को बोलते हैं मुअय्यन वक्त, ठीक है। मुअय्यन वक्त के साथ सिंस यूज होता है फिक्स टाइम के साथ, और फार के जो फार है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ। गैर मुअय्यन वक्त के साथ क्या यूज होता है? फार यूज होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, हम दो दिन से सफर कर रहे थे। वी हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस फॉर टू डेज। वी हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर टू डेज। हैड वी been traveling for two days, had we not been traveling for two days। next देखो, you तुम एक हफ्ते से स्कूल जा रहे थे। तुम एक हफ्ते से स्कूल जा रहे थे। you had been going to school since a week, एक हफ्ते से, fixed time है। understand? you had been going to school since a week, इसका negative sentence बनेगा। you had not been going to school since a week। next interrogative sentence है, had you been going to school since a week? Negative का interrogative, had you not been going to school since a week? Next देखो, they and names, understand? They जो होता है वो ज्यादा का इस्तेमाल, एक से ज्यादा, more than one people। वो तीन दिन से मदनी काफले में जा रहे थे। वो तीन दिन से मदनी काफले में जा रहे थे। they had been going टू मदनी काफला फॉर थ्री डेज। थ्री डेज गैर मुइन वक्त है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। थ्री डेज, फॉर थ्री डेज यूज होगा। दे हैड बीन गोइंग टू मदनी काफला फॉर थ्री डेज। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू मदनी काफला सिंस फॉर थ्री डेज। दे हैड दे नॉट बीन, हैड दे बीन, सॉरी, had they been going to Madani Kafla for three days, and had they not been going to Madani Kafla for three days, understand? Next देखो, he जो होता है ये लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है। boys, he for boys, वो, और नेम भी लिख सकते हैं किसी लड़के का। सात काल से नमाज अदा कर रहा था। offer the prayer यूज करते हैं इसमें, offer the नमाज, understand? साद had been offering the नमाज since yesterday। ये क्या है? बिल्कुल फिक्स टाइम है, मुअय्यन वक्त है, अंडरस्टैंड। फिक्स टाइम, कल से। साद हैड बीन ऑफरिंग द नमाज सिंस यस्टरडे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, साद हैड नॉट बीन ऑफरिंग द नमाज सिंस यस्टरडे। हैड साद, नेक्स्ट क्या बनेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, अंडरस्टैंड, जिसमें क्वेश्चन आस्क्ड किया जाए, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पूछा जाए, had Saad been offering the namaz since yesterday? Then negative come interrogative sentence, swaliya manfi jumla jo hai, no or not bhi use hota aur question bhi use hota, understand? Had Saad not been offering the salah since yesterday, understand? Next and last one is she jo hai ye ladkiyon ke liye use hota, girls ke liye, understand? फेमिनन के लिए यूज होता है शी। हम लड़की का नाम भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं इसमें। अब लिखा हमने, सादिया सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रही थी। अब इसमें टाइम भी यूज हुआ, सादिया हैड बीन रिसाइटिंग। अब कुरान पाक की तलावत जब हम करते हैं तो उसे रिसाइटिंग लिखते हैं, रिसाइटिंग कुरान सिंस मॉर्निंग। ये हमने इसका क्या लिखा है, ये असर्टिव सेंटेंस लिखा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सादिया हैड नॉट बीन, ये आपके सामने है सब, सादिया हैड नॉट बीन रिसाइटिंग कुरान सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से है ना, फिक्स टाइम है। नेक्स्ट देखो, हैड सादिया बीन
रीडिंग सॉरी हैड सादिया बीन रिसाइटिंग कुरान सिंस मॉर्निंग हैड सादिया नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एंड लास्ट वन वो क्या है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव बन जाते सवालिया मनफी जुमला जिसमें क्वेश्चन भी आस्क किया जाए और नो आर नॉट भी यूज होता है अंडरस्टैंड हैड सादिया नॉट बीन रिसाइटिंग कुरान सिंस मॉर्निंग अंडरस्टैंड ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए इसके आप जैसे मैंने बताया आपको अगर आप मैं आपको एक सेंटेंस के चार चार लिख के दे दूंगा इधर मैं सभी इधर क्या लिख रहा हूँ सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ समझ आ गई सबको सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए असर्टिव सेंटेंस लिख रहा हूँ आपने नेगेटिव भी बनाना जैसे मैं अंडरस्टैंड करवाया आपको नेगेटिव भी लिखना है साथ में इंटरोगेटिव भी लिखना है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव भी लिखना है सबको समझ आ गई हाँ ये आपने ये सभी कंप्लीट करके लाने तो ये पढ़ते जाइए साथ साथ इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके टाइटल है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे